अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, और आपको बताऊँ कि हम घर में कीमा आलू कैसे बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं कीमा आलू बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए हमें इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पर एक पाव ले लिया है कीमा, ठीक है। मैंने यहाँ बीफ का कीमा ले लिया है। इसके अलावा यहाँ मैंने दो अदद आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे तीन अदद ले रही हूँ प्याज, और उसमें मैंने एक अदद डाली थी बड़ी वाली हरी मिर्च, और उसको मैंने चॉप कर लिया है, हरी मिर्च और प्याज को। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने इंक्लूड करना है चीज़ें, दो अदद टमाटर ले लिए, उसको मैंने क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है। इसके अलावा जो स्पाइसेस ऐड करनी है, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश निकाला है, और फ्रेश आप डालेंगे उसका टेस्ट ही अलग होता है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। और इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर पत्ता लेना है तेज़ पत्ता, और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत काली मिर्च, और इसके अलावा 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर ले ली हैं हरी मिर्चें छोटी वाली, और 1 अदद मैंने 2 इंच का टुकड़ा ले लिया था अदरक का, उसको मैंने बारीक जिंजर कटिंग में कटिंग कर लिया है। रिक्वायर्ड है कीमा आलू बनाने के लिए, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह फीडबैक देते रहें। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले एक पोट लेना है, पोट में हमने तेल डालना है, और उसके बाद ये जो चॉप हुई प्याज और हरी मिर्चें हैं इसको हमने सॉटे करना है, इसको सॉफ्ट करना है, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पोट ले लिया है, पोट में मैंने 1/2 कप ऑयल शामिल कर लिया है, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर लूँगी चॉप हुई हुई प्याज, और जो मैंने इसमें 1 अदद हरी मिर्च डाल दी थी इसको मैंने अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेना है, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है, और अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी कीमा। मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया है, और अब मैं इसको इतना कुक करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है, और देखें इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और उसको इतना भून लूँगी कि ये अच्छी तरह इसमें जो पेस्ट है वो शामिल हो जाए, इसकी खुशबू गोश्त के अंदर आ जाए। तो मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। यहाँ मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था, और उसको मैंने अच्छी तरह कुक कर लिया है, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। मैंने अब इसमें शामिल कर लिए हैं टमाटर अदरक लहसुन डालने के बाद, और अब मैं इसको इतना कुक करूँगी कि अच्छी तरह इसमें सॉफ्ट हो जाए, इसमें डिजॉल्व हो जाए। यहाँ मैंने टमाटरों को डालकर अच्छी तरह सॉफ्ट कर लिया है, इसमें डिजॉल्व कर लिया है, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए तेज़पत्ता मैं डाल रही हूँ, ज़ीरा, और जो साबुत काली मिर्च है 1/4 टीस्पून वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और उसको अच्छी तरह मैं कुक कर लूँगी 2 मिनट तक। पहले सारे गरम मसाला वगैरह इसमें शामिल करने के बाद अब इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूंगी, लाइक अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी लाल मिर्च पाउडर लाइक ये, सेकंड अब इसमें शामिल करूंगी धनिया पाउडर, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। मैंने सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं, और अब मैं इसको अच्छी तरह कुक कर लूँगी 2 से 3 मिनट तक। हाँ, सारे स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह कर लिया है कुक, और ये बहुत ही मज़ेदार से इसकी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है, और मैंने इसको मसाले को अच्छी तरह भून लिया है, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 ग्लास पानी, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूँगी। यहाँ मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ इसमें, ये 2nd ग्लास जा रहा है कि सारा, मैंने 2 ग्लास इसमें पानी डाल दिए हैं, और इसको मैं अच्छी तरह कुक कर लूँगी 1 घंटे के लिए, मैं इनको लो फ्लेम पे रख दूँगी। लो फ्लेम पे रखने के बाद इसको अच्छी तरह टेंडर कर लूँगी ताकि हमारा जो कीमा वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए।
ये देखिए, मैंने जो इसमें 2 गिलास पानी डाले थे वो अच्छी तरह इसमें ड्राई हो गए हैं, और हमारा जो कीमा है वो भी अच्छी तरह टेंडर हो गया है। तो अब मैं इसको मज़ीद भून लूँगी अच्छी तरह, और जब ये भून जाएंगी तो इसमें मैं आलू डालूँगी। देन मैं क्या करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने कीमे को अच्छी तरह भून लिया है, और ये देखें काफ़ी अच्छी तरह ये भून गया है, और ये अच्छी तरह टेंडर भी हो गया है कीमा। और अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी आलू जो मैंने क्यूब शेप में कटिंग कर लिए थे, और साथ ही इसमें डाल दूँगी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूंगी जस्ट 1/2 कप मैंने इसमें पानी डालना है, और इसको थोड़ा इतना पकाना है कि हमारे जो आलू हैं, आलू जो है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1/2 कप मैंने इसमें डालना है पानी, ताकि जो हमारे आलू हैं वो भी अच्छी तरह गल जाए। इसमें मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला है क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कीमा है वो टेंडर हुआ हुआ है, और आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट इसमें 1/2 कप ना मैंने पानी डाला है। और इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमारा जो सालन है मैंने बहुत अच्छी तरह इसको भून लिया है, हमारे जो आलू हैं, हमारा जो कीमा है वो बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गए, हमारा मुकम्मल हो गया है कीमा आलू। और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। माशाल्लाह हमारा कीमा आलू कम्प्लीटली और परफेक्टली हो गया है रेडी, और हमने इसको कर लिया है डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने इसको बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रेडिशनल वे में और ट्रेडिशनल स्टाइल में ही मैंने इसको सर्व किया। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को करिएगा लाइक, और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉच।